हे गाइस वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ भाई आपकी दिवाली अच्छी जाए और आप भी भाई मेरी तरह भी सफाई में लगे हों, क्योंकि तो भाई मैं भी सफाई करने वाला हूँ। तो मैं दिखाने वाला हूँ बिफोर और आफ्टर, मतलब एक रूम मेरे सफाई करने से पहले और बाद में कैसा लगता है। तो भाई जादू होएगा एकदम से, ठीक है। और मैं कुछ डेकोरेशन का सामान भी लाया हूँ, वो भी दिखाता हूँ। तो मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं लाया, एक दो ही लाया था। ये देखो वो जो शोकेस दिख रहा है आपको उधर, उसके लिए मैं ये लाया था भाई। ये देखो कितने प्यारे फूल हैं। कल मैं गया था मार्केट में तो मेरे को ये अच्छे लगे वहाँ पे ऐसे रखने के लिए, क्योंकि वो साइड में देते को रखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लाते हैं। पहले फूल थे वो खराब हो गए थे, तो इसलिए ये मैंने लाने के सोचे। ये दो जोड़े हैं, ठीक है। ये कितने बढ़िया लग रहे हैं देखो। इसको थंबनेल बना के डाल सकता हूँ मैं ऐसे करके ना। और भाई हम लाए थे ये दिए, क्योंकि पटाखे तो अब जलाने छोड़ दिया है पोल्यूशन की वजह से, लेकिन ये दिए जरूर जलेंगे। और तुम भी जलाना भाई दिए, और रेडी वालों से कुछ ना कुछ ले लिया करो यार। और भाई एक ही चीज़ अच्छी लगी थी, ये देखो हैंडमेड। एक आंटी इसको सेल कर रही थी, तो बोल रही थी कि भाई ले लो, ठीक है। वो ये हमें पड़ी है 100 रुपये की पड़ी है, ठीक है। मेहनत काफ़ी अच्छी है देखो यार, काफ़ी बढ़िया मेहनत कर रखी है देखो। अच्छी है, कलरफुल भी है और अच्छा बनाया हुआ है ना, और अच्छा है। तो मैंने सोचा यार मेरे को अच्छी भी लग रही है, उनकी मेहनत भी काफ़ी है, तो उनसे ले लेते। तो मैं ले आया ये भी भाई, मैं शोकेस में रखूँगा, क्योंकि तो यहाँ पे हमारे घर में कुत्ता ही ऐसे मुंह में आया ऐसे करके भगलेगा, इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी मैं सजाने के लिए लाया हूँ। और तो कुछ नहीं भाई, शुभ दीपावली वो जो होता है लगाने का वो। और भाई मैं तुम्हें दिखाने वाला रूम कि पहले कैसे रहता है और बाद में, ताकि तुम्हें पता चलेगी तुम्हारे भाई की क्या मेहनत है क्या नहीं है। चलो तो भाई ये देखो, ये है पूरा रूम, ठीक है। अभी देख लो कैसे सारा ये फैला हुआ है। और यहाँ पे मेरा वो है मछली का, ठीक है, फिश बाउल जो होता है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ क्योंकि तो मैंने कभी दिखाया नहीं है। देखो ये है मेरा फिश बाउल और ये है शोकेस। तो मैं यहाँ पे रखने के लिए कह रहा था इधर और इधर, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है, ऐसे हमने बस रखा हुआ है। तो ये है और ये बेड है। अभी यहाँ पे नई बेडशीट भी बिछानी है। तो 1 मिनट में देखो, मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे सेटिंग करता हूँ कैसे क्या। तो मैं कैमरा यहाँ पे लगाऊंगा और तुम्हें दिखाता हूँ। चलो तो ये देखो, मैंने चद्दर तो बिछा दी। और ये देखो चद्दर बिछाते ही ना भाई कमरे में जान आ गई एकदम से। ये देखो चद्दर, सिर्फ चद्दर बिछाई है अभी, और उसके बाद ही कमरा ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये पीछे वाले कलर से मैच भी कर रहा है। तो अब मैं थोड़ा शोकेस में ये लगाता हूँ ये रोज़ वगैरह, तो उसको भी देखते हैं। तो यार यहाँ पे अब ये रखना है, देखते हैं कहाँ पे जगह बनती है। ऊपर तो इतने खास नहीं लगेंगे, इतने नीचे लगेंगे, तो इसको नीचे रखेंगे। हाँ यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं थोड़ा ना, ऊपर ये रख देता हूँ सीढ़ी। इसको मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन अभी सिर्फ कर देते हैं जो हो रहा है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये लड़ी है वो सत्या वाली ना, याद जलानी है। हाँ पता नहीं चालू है नहीं है, देखनी पड़ेगी। ओह ये भी चालू है,
तीन चार साल, वही इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ओ भाई नोटिस नहीं करा मैंने, ये देखो इसमें इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है पूरी, क्या बात है। अरे इनका भी तो है यार, इनकी भी तो दिवाली बनाओ। वैसे तो मैं रात को फोन करता नहीं, कोई बात नहीं, आज दिवाली है और ये देखो इनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें से आधी चीज़ें हटा दूंगा, फिर भी हाँ ये अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ये डेकोरेशन का था नहीं इतना। और ये स्मोक वाला है ना, यहाँ पे ये रखते हैं ना कुछ जलाते हैं तो यहाँ से धुआं आता है, ऐसा लगता है पानी की तरह गिर रहा है यहाँ पे। इधर ये बुद्ध है, चलो कुछ तो इसमें शोभा बड़ी है। ये रूम पूरा है देखो, सही लग रहा है ना, ये सब तो मैं हटा ही दूंगा, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये है दूसरा रूम, और ये देखो इसकी हालत, ये देखो देख ली, इतना कुछ सामान नहीं है लेकिन फिर भी जो भी है उसकी बैड बजा रखे मेरे भाई ने और मेरे कुत्ते ने। और ये देखो क्या कर रहा, देखो ये देखो ये आराम से सो रहा है, और सारी सफाई वगैरह वो मैं कर रहा हूँ, क्या करे भाई। नीचे वाले फ्लोर का मुझे देखना पड़ता है, ऊपर वाला तो मेरा भाई साफ़ कर देगा, लेकिन नीचे वाला मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि जो मेहमान आएंगे या जो भी आएगा वो यहीं पर आएगा, और कोई नहीं भी आएगा तो फिर हम तो है ही भाई, हमें भी तो चाहिए साफ सफाई, तो इसको भी करते हैं बिफोर आफ्टर। रूम की भी हो चुकी है सफाई, और ये देखो ये कैसा लगता है, ये देखो कुछ नहीं करा, बस सोफा सेट की सेटिंग करी है और रूम बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब इतना तुम इधर उधर करके रखते हो ना, उतना रूम बेकार लगता है, सिर्फ एक मिनट लगता है तुम्हें इसे साफ करने में, तो इसलिए कर लिया करो यार, घर वालों की थोड़ी हेल्प कर दिया करो। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ये सेटिंग करी है सोफा सेट की, और ये कमरा भी अब अच्छा लग रहा है देखो। कुछ अब मेरे को करनी है यहाँ पे झाड़ू और पोछा, दिखाओ ना दिखाऊँ तुम्हें, क्या बात है, तुम बेइज्जती कर दो, लेकिन दिखाई तो पड़ेगी भाई, दिवाली है तो थोड़ा बहुत हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। देखो मुझे बैंड के से खजाना मिला है, मारुति का ये लाए थे दशहरा पे, बैंड बज गई, बोतल है छोड़ता नहीं है, खेलते खेलते सारी चीज़ें बैठ के नीचे, अभी खजाना निकल रहा है बैठ के नीचे से। ये देखो ये आ गया, अभी इसके बाल दिखाऊंगा, ये देखो बुड्ढे को, आ बुड्ढे बैठ पे, आ बैठ पे, आ जल्दी इसके बाल, ये देखो पूरी पूरी लड़ी आ रही है, बम की जरूरत ही नहीं है हमें, वो आ रही थी ना मुर्गा छाप की लड़ी, यहाँ पे बालों की लड़ी है, वो भी कुत्ते के बालों की, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, इतनी बार झाड़ू मारूंगा उतनी बार निकलेगी। और इसको क्या है, ये देखो इसको थोड़ी कोई दिक्कत है, ये तो बस अपने चीज़ें लेके ऐसे बैठ जाता है, ना झाड़ू मारने ना कुछ, हमारी बैंड और मस्ती है। तो भाई मैंने कर दिया अब झाड़ू पोछा एकदम टॉप की मैंने कर दिया सेटिंग, जैसे आपने देखा होगा। और ये है भाई मारुति के बर्थडे का केक, जो कि इसका बर्थडे था कल, ये देखो ले, इसका जो बर्थडे था वो था कल, तो ये देखते हैं, देखो ऐसे नहीं चाटी ना, ये देखो चूअर को खा नहीं रहा, बासी चीज नहीं खाता है, आए आए चटोरे। तो भाई मैं ये बता रहा था थोड़ा केक खा लेते यार, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, तो यार ये लो भाई तुम भी खाओ, ये लो भाई, और मैं भी खा लूँ, कैसे देगा देखो बताओ मेरे को भी। तो ये मैं ये बता रहा था, कुछ लोगों को लगता है यार पहले ऐसी चीज़ें नहीं है, छोटी दिवाली पे बम बैन है यार, बड़ी हुई दिवाली पे भी बम बैन है, मतलब दिवाली पे बम बैन है।
हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था कि यार कुछ लोगों को लगता है कि ना बम बैन करके गलती करी है, दिवाली बम के बिना नहीं है। नहीं भाई, दिवाली पे सबसे पहले पूजा होती थी, उसके बाद बम फोड़ते थे और अपने भाई रिश्तेदारों को मिठाइयाँ बांटने भी दिवाली है। और भाई बम बैन पे यार बुरा मत मानो, क्यों? क्योंकि उनको भाई कोई शौक नहीं है बम बैन करने का। तुम्हें पता है यार दिवाली के आसपास पराली जलती है, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद यार ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये भी एक पॉल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा आता है। जितनी पॉपुलेशन उतनी गाड़ियाँ, उतनी फैक्ट्री, उतनी चीज़ें बढ़ेगी ये धुआं धाड़ वाली, तो भाई पोल्यूशन तो अब मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली से जा पाएगा जिस हिसाब से इसके बाद ही है, ठीक है। और ये होता है ना कि अब तुम कह रहे हो यार एक ही दिन की दिवाली, नहीं भाई, इसके आसपास ही तुमने देखा होगा परालियाँ जलती है, सब कुछ होता है, ठीक है, फसलों का टाइम होता है ये। तो उन्होंने उनका मतलब कोई शौक नहीं है पटाखे बैन करने का, लेकिन पटाखे अगर तुम जलाओगे ना इस पराली मतलब इस धुएं के बाद भी, तो उसको बोलेंगे भाई हम सोने पे सुहागा, कि मतलब पहले ही सिचुएशन ख़राब है और तुम और उसकी बैंड बजा दो। तो इसलिए कुछ तो कंट्रोल होएगा, अब लगा लो यार हमारे यहाँ का पोल्यूशन जो मीटर है 500 तक तो मैक्स होता है, तो हमारे यहाँ 460 है दिल्ली में उत्तम नगर की साइड। अब देख लो हरियाणा में भी 436 है, 420 है, 380। अब ये देखो अगर पटाखे अनबैन हो गए तो पूरा ना सुबह दिखेगा नहीं। अब कल है बड़ी दिवाली, तो तुम ये देखना कि कल जब मैं मतलब वीडियो बनाऊंगा रात को कि कितने पटाखे फोड़ रहे होंगे लोग दिल्ली में भी भाई बाहर से ला ला के, तो मैं दिखाऊंगा, लाइव आऊंगा। लाइव तो चल आ नहीं सकता यूट्यूब पे, इंस्टा पे तो आ ही जाऊँगा लाइव, लेकिन इंस्टा की फैमिली नहीं है, ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, तो इस पर मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, शॉर्ट डालूंगा कि भाई देखो ये कैसे अभी भी दिल्ली में पटाखे कैसे आ रहे हैं। भले सरकार ने बोल दिया कि हर स्टेट में बैन है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, पूरे इंडिया में बैन कर दिया भाई, बेकने वाले तो बेकेंगे, उड़ाने फोड़ने वाले फोड़ेंगे, उनको मतलब नहीं है खांसी हो रही है अगले दिन, जुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, उनको क्या मतलब है भाई, उनको अपनी हेल्थ की माँ बैन करनी है। हम जैसों की बैंड बननी है, इसलिए भाई छोटी दिवाली है आज भी लोग फोड़ेंगे, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। तो आज मैं दिए वाली भी वीडियो डालूंगा, दिए वे जलाएंगे, लेकिन भाई तुम उनका साथ मत देना, कोई पटाखे फोड़ रहा है उसे फोड़ने दो, अपने ऐसे ऐसे करान दो, तुम भाई बस ये करना। अब जैसे ये है, ये तो भाई बहुत डरता है, मारुति तो बहुत डरता है पटाखे से, तो इसको ही मैं ये खाट बिछा दूँ, इसका घर है ये, है ना, इसको बिछा देता हूँ यहाँ पे, अपने आप बैठ जाता चुपचाप, इसे घर बना हुआ है, तो ये भी बहुत डरता है, तो इसलिए मेरे को अब थोड़े से कम पसंद है पटाखे, लेकिन फिर भी मैं उनका साथ नहीं देने वाला जो फोड़ते, क्यों? क्योंकि भाई पहले ही मैं देखता हूँ सुबह के टाइम पर जब निकलता हूँ सुबह, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही होती, फैक्ट्री भी सारी बंद होती है, हमारे यहाँ भी है एक पूरा इलाका है फैक्ट्री वाला, ठीक है, उसके बावजूद भी भाई पूरा धुआं धुआं रहता है, गला ऐसा लगता है कि यार छिल गया पूरा ना, फिर आके खांसी होती है, पूरा गला एकदम ड्राई हो जाता है, ऐसा लगता है भाई सीमेंट पता नहीं क्या खा लिया सुबह के टाइम पे ही। अब लगाओ दिन के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्या हालत होती है, पिंपल भी निकल आते हैं, अगर कोई यहाँ से मैं तुमने अगर भी चला रहा हूँ ना, पूरे पिंपल निकल आएंगे अगर मैं, और मास्क ना लगाऊँ तो भाई साहब हालत बुरी। तो इसलिए भाई जितना हो सके पटाखे कम जलाओ, मिठाइयाँ खाओ, केक खाओ, शाही पनीर खाओ, मेयोनीज नहीं मोमोज खाओ विद मेयोनीज, मोज लो, मिठाइयाँ बांटो, नहीं बांटनी तो भाई मेरे को बांट दो, मेरे को मिठाइयों की ज़रूरत है, तुम सारे भाई मेरे को मिठाइयाँ बांटो, और सबसे बढ़िया भाई चॉकलेट के डिब्बे मेरे घर भेज दो भाई, कैडबरी वैडबरी जो भी है भाई सब कुछ उठा के दे दो, सिर्फ पटाखे मत देना, ठीक है, क्योंकि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। इसलिए भाई हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं भाई शाम को क्या होता है, दिए के साथ साथ कितने बंदे बम जलाते हैं, लेकिन हम भाई दिए जलाएंगे, हम अवॉइड करेंगे पटाखे क्योंकि पोल्यूशन है जटाके। बाय।